सभी का मालवीय क्लासेस पर स्वागत कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, और साथियों जैसा आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, सर पहले आप समय दूरी चाल करा दीजिए, सर रेलगाड़ी करा दीजिए, हमें रेलगाड़ी नहीं आती, हमें चाल दूरी में दिक्कत होती है सर, तो हम आप लोगों के लिए चाल दूरी और समय की सबसे दमदार ट्रिक और सबसे दमदार क्लास लाए हैं। सात क्लास, पूरी सात क्लास में आपको समय, चाल और दूरी तथा रेलगाड़ी को कंप्लीट कराऊंगा। एक एक घंटे की सात क्लास और पूरा रेलगाड़ी समाप्त, पूरा समय और कार्य समाप्त, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ध्यान से पढ़ना है, रोजाना रात को 8 बजे लाइव आना है। अभी मैंने कमेंट देखे बच्चों के, कहते हैं सर हमें क्लास नहीं मिली पिछली वाली, तो आप लोग मैथ बाई कमल सर सर्च करें रात को 8 बजे, तो आपको क्लास जरूर मिलेंगी, ठीक है ना। अगर भूल जाते तो मालवीय क्लासेस को याद रखिए, आप सर्च करेंगे क्लास आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। देखिए बच्चे कहते हैं, तो देखो समय, चाल, दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिक से शुरू कर रहा हूं। देखिए समय, चाल, दूरी, जैसा आप नाम से समझ रहे होंगे, ये तीनों चीज इस चैप्टर की जान है, चाल भी, दूरी भी और समय भी। हमें बात कुछ चीजें देखो, क्या है, चाल है, चाल को हम स्पीड कहते हैं, दूसरा दूरी है जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, कुछ अंग्रेज बच्चे भी हैं हमारे साथ, और समय है, समय को हम टाइम कहते हैं। अब साथियों इनमें एक संबंध होता है, छोटा सा संबंध, संबंध क्या है, संबंध होता है दूरी यानी कि स्पीड बराबर चाल, सॉरी दूरी डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर चाल यानी कि स्पीड गुना समय यानी कि टाइम, समझ गए, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मुझे चाल निकालनी है, चाल निकालनी है तो दूरी बटा समय, भाई देखो चाल हमें निकालनी है, चाल ही रखो, समय नीचे चला जाएगा, या हमें समय निकालना हो, हमें टाइम निकालना हो, वैसे टाइम सबका खराब चल रहा है, लेकिन आप मालवीय क्लासेस पढ़िए, मेहनत कीजिए, टाइम अच्छा हो जाएगा। समय निकालना, समय बराबर तो दूरी बटा चाल। फिर एक दिक्कत आती है हमारा, हमें पता है भाई दूरी है या तो मीटर होगा या किलोमीटर होगा, समय है या सेकंड होगा या घंटे में आएगा, चाल या तो किलोमीटर प्रति घंटा आएगी या फिर मीटर प्रति सेकंड आएगी। देखो किलोमीटर को मीटर में आसानी से बदल सकते हो, सेकंड को घंटे में आसानी बदल सकते हैं, लेकिन बच्चों को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने में परेशानी होती है। तो हम अब सीखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर प्रति सेकंड होते हैं और एक मीटर प्रति सेकंड में कितने किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं। जिस तरह कोचिंग में पढ़ाते हैं मेरठ में, उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, आप ये नोट कर लीजिए, एक बार जल्दी नोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, पता एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप डस्टर से मिटाया कीजिए, कपड़ा अच्छा नहीं लगता। अरे यार कपड़े थोड़ा अच्छे से मिट जाता है, अब देखो जो चीज हमारे लिए आरामदायक होगी हम वही यूज करेंगे, है ना, इसलिए कपड़े से मिटाते हैं और कोई बात नहीं है। चलिए आइए तो क्वेश्चन पर आते हैं, उससे पहले समझते हैं कि एक किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे। अब ध्यान से समझना है आप लोगों को, देखिए किलोमीटर को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि किलोमीटर को हमें मीटर बनाना है और घंटे को हमें सेकंड बताना है। अब देखिए एक किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, क्या होता है, एक किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और एक घंटे को अगर सेकंड में बदलना है तो पहले वो 60 मिनट होगा, फिर मिनट का सेकंड बनेगा, ऐसे होगा ना। अब देखो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट गया, अब काटे दो से, दो तिया छह और दो पंजे तो क्या आया, पांच और छह तिया 18 मीटर प्रति सेकंड। तो आप समझ गए होंगे, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा अब कि सर एक किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार अगर मैं एक मीटर प्रति सेकंड को बताना है, एक मीटर प्रति सेकंड में कितने किलोमीटर प्रति घंटा होते, क्या कहोगे आप, सर जब एक किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 है तो उल्टा करोगे तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, याद कर लो। अब देखो याद कर लो, ध्यान से देखो, आराम से पढ़ो, मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं, मीटर किलोमीटर में बदला जा रहा है, तो मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। अब बड़ा निकालना है तो बड़ी संख्या ऊपर,
यहां पर मीटर छोटा निकाल रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर, किसी भी तरीके से जैसा आप समझ सको बस समझ लो, मैं तो ये कहना चाहूंगा। देखो मेहनत करिए, हमेशा याद रखिएगा मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। क्या? मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। चलिए अब क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, सब कुछ आसान है, पूरा मैथ आपको कराएंगे। और बच्चे बता दूं मैं आप लोगों को, देखिए एक बात, देखिए सुबह 8 बजे मैं कॉन्स्टेबल के लिए मैथ पढ़ा रहा हूं, सुबह 8 बजे पुलिस के लिए, 12 बजे सॉरी सुबह 8 बजे यानी एएम, 12 बजे दोपहर 12 बजे मैं पढ़ा रहा हूं ग्रुप डी के लिए मैथ, शाम 4 बजे पढ़ा रहे हैं सीजीएल के लिए मैथ, और रात 8 बजे पढ़ा रहे हैं एनटीपीसी के लिए मैथ, 9 बजे पढ़ा रहे हैं टेट के लिए मैथ। तो इतनी मैथ की क्लास आपके लिए मालवे क्लासेस दे रहा है, और बताइए क्या चाहिए आपको, इतनी सारी क्लास मालवे क्लासेस पर आपको मिलने वाली है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना आप लोग ध्यान से पढ़ना और समझना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखते हैं कौन बच्चा आंसर देगा सबसे पहले आंसर किसका आएगा, बात ये है अब, है ना। चलिए देखते हैं आंसर किसका आता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को, बहुत सारे जुड़े हुए, जयविंदर, प्रदीप कुमार, शांत कुमार, ब्रिजेश कुमार, विशाल जगपत, विजय साहू, जय ज्योति, जानवी, गीता, विशाल, गीता वर्मा, विजय मालविया, शिखा रहवाल, सब बच्चे जुड़े हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा को कैसे बताना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। देखो 90 किलोमीटर को मीटर बदलना है, हमें पता है कि अगर मुझे इसे मीटर में बदलना है, क्या अगर मुझे इसे मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुना कर दूंगा तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा, क्या 25 मीटर प्रति सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए, अब आपको याद कर लेना है इन बातों को, आपको याद कर लेना है, क्या याद करना है समझिएगा, ध्यान से समझना है याद क्या करना है। देखो कुछ चीजें आती हैं, जैसे वो पूछेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड होता है, वो पूछेगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर पर सेकंड होता है, 90 किलोमीटर यही क्वेश्चन में आता है। देखो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे तो अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं ये चीजें, ये क्वेश्चन आते हैं बस, एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको मिले होंगे इनसे अलग आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए नीरज कह रहे हैं सर इंग्लिश की क्लास चालू करा दो, इंग्लिश सुबह 10 बजे, ठीक है नीरज भाई आ जाए, हिंदी सुबह 9 बजे। अब देखिए ये है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 144, जितने भी क्वेश्चन कराते हैं उनमें यही आते हैं, उनमें यही पॉइंट आते हैं। अब इन्हीं पॉइंट को हम समझ लेंगे फिर हमें क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी, पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अब देखिए 54 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 54 गुना मीटर बदलना है तो 5/18, ये हो जाएगा जी 72 गुना 5/18, कुछ नहीं करना, ये 90 गुना 5/18, ये हो जाएगा जी 144 गुना 5/18। बस अगर किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना करोगे तो आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 18 * 54 और 5 * 15 मीटर प्रति सेकंड, तो याद कर लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो
निकालना नहीं है, याद कर लेना है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 15 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ो, अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 चौके 72 और 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। याद कर लो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आ जाओ 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करोगे आप, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अब आता है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 8 144 और 5 8 40 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब कमेंट देते हैं। आंसू मेरठ कह रहे हैं, सर आप अपनी एक ब्रांच मोदीपुरम में ओपन कर दीजिए। आंसू भाई रीजन दिक्कत ये है कि यूट्यूब पर ही हमारी 5 क्लास चल रही है मेरी, और ऑफलाइन भी 6-7 क्लास चल रही है, तो मैं पूरे दिन लगभग 12-13 घंटे पढ़ा रहा हूँ, पेड क्लास भी है कुछ, तो समय नहीं मिल पाता। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक समय नहीं मिलता, इस वजह से हम कहीं और ब्रांच नहीं खोल पा रहे हैं अपनी। और मैं ये चाहता हूं कि जहां मैं, अगर मालवीय क्लासेस कहीं भी खुले तो सिर्फ मैं ही पढ़ाऊं, दूसरा टीचर पढ़ाएगा पता नहीं, वो अच्छा पढ़ाता है बेकार पढ़ाता है, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, और नेगेटिव से मुझे डर लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब साथियों एक बात पूछता हूं, आप लोग जितने बच्चे पढ़ रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट करिए, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा, सबका नाम बोल देता हूं एक बार। सब लोग बताइए, सुनील यादव, प्रदीप समझ में आ रहा है, गुलशन कुमार आ रहा है, जानवी सिंह, रामू, शिखा रेवाल, चलिए राहुल कुमार, राकेश कुमार, विनय, जानवी सिंह, रोहित भंडारी, सोनाराम, आकाश गुप्ता, चलिए प्रिया कुमारी, पंकज कुमार राय, सब लोग मेहनत करिए, देखिए सिलेक्शन पक्का मिलेगा आप लोगों को। बच्चे कह रहे सर क्लास रेगुलर चलती है, बिल्कुल रेगुलर। अभी मैं आपको एनटीपीसी का, जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना, आप लोग एनटीपीसी का टाइम टेबल देख लीजिए, तब तक सर एनटीपीसी का टाइम टेबल लगा दीजिए साइड में, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप लोग एनटीपीसी का टाइम टेबल देख लो, किस टाइम कौन सी क्लास चलती है एनटीपीसी की। ए से बी तक एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ जाती है, औसत चाल बताइए। क्या है औसत चाल बताइए। देखिए आपका 2 बजे एनटीपीसी के लिए साइंस चलता है, 6 बजे आपका अवेयरनेस चलता है, 7 बजे आपका क्लास चलता है और 8 बजे क्लास चलता है, तो आपको पूरा टाइम टेबल मिल गया। चलिए अब क्वेश्चन पे देखिए, ए से बी तक, अब समझना ध्यान से, आपने टाइम टेबल देख लिया, अब देखिए बाकी टाइम टेबल दिखा दूंगा बीच बीच में। देखिए ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, यहां से एक कार गई इस दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां तक गई, ऐसे यहां से एक कार आई, वही कार वापस आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए आप लोग, यहां पर जो दूरी है चाल की वो निश्चित है, फिक्स है, समझिए ध्यान से, जो कार दूरी तय कर, ये यहां से यहां तक जा रही है और यहां से यहां तक पहुंच रही है, कार निश्चित दूरी कर रही है। जब कार, जो हमारी कार है, कार एक निश्चित दूरी को तय करे, समझ लीजिए, एक बार कैमरा सेट कर लेता हूं, जब हमारी कार एक निश्चित दूरी को तय करे तो एक फॉर्मूला होता है 2 speed 1 speed 2 upon speed 1 plus speed 2, इससे बढ़िया तरीका दुनिया में कोई सा नहीं है, समझ लीजिए। तो 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे पहली चाल जमा यानी प्लस दूसरी चाल। अब ध्यान से पढ़ना आप लोग, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब देखिए 2 गुना पहली चाल, पहली चाल है 60 गुना दूसरी चाल है 30 बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल, तो पहली चाल है कितनी 60 और दूसरी चाल है 30, यही तो आया।
इतना ही आया ना। अब देखिए दो, अब देखो दो छिका 12 और 12 तिया 36, ये हो गया जी 3600 / 60 और 30 90। अब 9 चौके 36, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर आ गया। अब पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि सर अच्छी तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम तो जी 60 को और 30 को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, 60 30 90 / 2 सर 45। ऐसे कभी मत करना, गलत तरीका है ये। जब दूरी बराबर होना ऐसे करना है और औसत 40 आएगा, बच्चे 45 आंसर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है, धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे उन चीजों को, ठीक है ना। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सफलता का एक ही तरीका है वो है मेहनत। चलिए हाँ ये कहूंगा रोजाना रात को 8 बजे लाइव आइए, मैथ सिखाना मेरी गारंटी है। आगे बढ़े, अजय कह रहे हैं सर आपकी वीडियो पे व्यूज कम है। हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा आज बच्चे कम आए हैं, पता नहीं क्या हो गया। बच्चे बहुत कम है, प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो को एक बार। बहुत बच्चे भी कह रहे हैं सर आज बच्चे बहुत कम जुड़े हैं, सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करें। अभी अगर आप लोग लाइक और शेयर कर देंगे ना तो बहुत बच्चे जुड़ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। तो प्लीज हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जो भी ग्रुप है आप लोगों के ग्रुप है, और आप लोग जहां भी आपके दोस्त पढ़ते हैं, आप जितने भी दोस्त पढ़ने वाले हैं सबको बताइए मालवीय क्लासेस के बारे में, सपोर्ट करें। देखिए बच्चे अधिक से अधिक लाइव आए, बहुत कम बच्चे लाइव है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर चाल में 20 कर रहा हूं। ए से बी तक एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, किस चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ जाती है, औसत चाल एवरेज स्पीड बताइए। ये क्वेश्चन है, औसत चाल एवरेज स्पीड आप लोगों को बतानी है। जल्दी बताइए जल्दी, औसत चाल क्या होगी? जल्दी कमेंट कीजिए, औसत चाल क्या होगी बताइए जल्दी से। अब आप सीख गए ना क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल अपॉन पहली चाल प्लस दूसरी चाल, ये करना है। अभी नाम बोलूंगा, कमेंट करो सब लोग। अब देखो 2 गुना पहली चाल है 20, दूसरी चाल है 30, बटे पहली चाल 20 प्लस दूसरी चाल 30, ऐसे। अब देखो 2 दुनी 4 और 4 3 12, तो ये हो गया जी 1200, है ना। अब 1200 बटे 30 और 20 50। अब देखो 0 से 0 कट गया और 24 5 120, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा आप सभी का आंसर आ जाएगा। समझ गए? समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए शिखा रहवाल, प्रियंका शर्मा, अखिलेश यादव, दीपा गौतम, रोहित दलाल, अनुज, विवेक कुमार, जाकिर खान, नमन कुमार, विक्रम, सामवी, राधा कुमारी, आकाशपुरी सॉरी पवनपुरी, नमन कुमार, ट्रिकी योगेश फॉर ऑल सब्जेक्ट, रश्मि यादव, राजू, चलिए शैलेंद्र कुमार, सब लोग जुड़े हुए हैं, मेहनत करें सभी लोग। चलिए और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो तक को लाइक नहीं किया। चलो यार कम से कम वीडियो तो लाइक कर दिया कीजिए। आइए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक चेंज कर दें, बताओ भाई कमेंट करो, टॉपिक चेंज कर दें बताइए कमेंट करके, टॉपिक चेंज करें हाँ या ना। क्वेश्चन लेते हैं, एक कार 600 किलोमीटर की दूरी, एक कार 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 30 किलोमीटर की सॉरी 300 तथा 300 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
तय करती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करती है औसत चाल एवरेज स्पीड बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लीजिए, एक कार 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 300 किलोमीटर की दूरी, कितनी, 300 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, और रेलगाड़ी को, सॉरी कार की औसत चाल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब महत्वपूर्ण है तो आपको आना भी चाहिए ना, आंसर दीजिए जल्दी, आंसर कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चलेंगे अभी धीरे धीरे, आप बस मेहनत तो करिए सर, बच्चे सभी लोग मेहनत करिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देते हैं आंसर, नवी 30 आंसर दे रहे हैं भाई, बच्चे 24, 60 आंसर दे रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों के, ऐसे काम चलेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, देखिए यहां पर पहली बात तो दूरी फिक्स नहीं है, देखो 600 किलोमीटर, रेड पेंसिल लिख देते हैं, यहां पर 600 किलोमीटर की जो दूरी है वो है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो आपकी 300 किलोमीटर की दूरी है वो है आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपको औसत चाल बतानी है, जब भी दूरी अलग अलग हो, ये दूरी 600, ये दूरी 300, दूरी अलग अलग हो तो करना कैसे है, तब हमें एक चीज आई है कि औसत चाल बराबर, तब हमें ये करेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी, क्या कुल दूरी, मुझे नहीं पता आपने चीज पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुल दूरी बटे कुल समय, क्या कुल दूरी बटे कुल समय। अब देख लो औसत चाल, औसत चाल निकालने, दूरी मुझे पता है जी, एक तो है 600 किलोमीटर और दूसरी है 300 किलोमीटर, जोड़ दी ऊपर, अब नीचे आएगा समय, और मुझे समय तो पता ही नहीं कि समय कितना है, समझ रहे हैं, हमें समय का तो पता ही नहीं कि समय दिया कितना है, लेकिन हमें समय निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की चाल से, तो समय क्या आएगा, 600 बटे 50 यानी कि 12 घंटे, है ना, 12 पंजे 60, 12 घंटे अलग किए, या जाओ तीन, समय निकालना है 300 किलोमीटर की दूरी 100 की चाल से, यहां लग गए 3 घंटे। अब देखो यहां लगे उसे कितने घंटे, 12 घंटे, यहां 12 घंटे और यहां लगे 3 घंटे, तो 12 और 3 तो समय हो गया जी 12 प्लस 3, अब देख लो तो दूरी है 900 किलोमीटर और ये समय हो गया जी आपका 15 घंटे, तो 900 बटे 15, तो 15 काट दोगे ना, 15 छिका 90 है ना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन, है ना दम क्वेश्चन में, बताओ क्वेश्चन में दम लगाया नहीं, चलो देखिए रोजाना रात को 8 बजे लाइव आइए, क्लास नहीं मिलती कोई बात नहीं, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए मुझे समझ में आया हाँ या ना, जैसा भी पढ़ाया हुआ लग रहा है बताइए मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, बताइए कौन कौन पहली बार देख रहे हैं हमारे क्लास को। चलिए चलिए, जहर तरीका, थैंक यू रोहित, रोहित कह रहे सर जहर तरीका है, थैंक यू यार, अखिलेश यादव, जितेंद्र कुमार, विपिन, समझ में आ गया विपिन को भी, चलिए नीतू यादव, संजय कुमार, सोनिया सैनी, राजेश कुमार, सफलता मिलेगी मेहनत करिए। लोकेश कह रहे सर बेसिक बताइए, बेटा बेसिक ही तो है, इससे अच्छा क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन और देते हैं, ऐसा बच्चे कह रहे सर एक क्वेश्चन और लीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं क्वेश्चन, और अभी भी ना कुछ बच्चे ऐसे हैं, दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्लास कब चलती है, क्लास रोज रात 8 बजे, रोजाना रात को 8 बजे आइए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन को भी एक और लेते हैं, अभी बच्चे कह रहे हैं सर दो रिपीट कर दो, एक उसे रिपीट कर लेते हैं ना, रिपीट करना सही रहेगा। क्वेश्चन है, एक कार 1000 किलोमीटर की दूरी, एक कार
1000 किलोमीटर की दूरी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा तथा 600 किलोमीटर की दूरी, कितने की 600 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है औसत चाल, बताइए। क्वेश्चन है बहुत अच्छा, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। अमित कह रहे हैं सर हम सब्सक्राइब कर लेंगे, आप टेंशन लो, थैंक यू अमित आपने कर लिया, एक बच्चा बच गया। नहीं देखो हम निश्चिंत हैं, जितने हमारा मालवीय क्लासेस फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला मालवीय क्लासेस है, और ये सब कुछ ना मेरे प्यारे साथियों के आप भाई बहनों की वजह से हुआ है। अभी तक ये होता है कि जितने बच्चे जुड़ते हैं सब्सक्राइब जरूर करते हैं, हाँ आज 2-3 बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया एक अलग बात है, लेकिन कर लेंगे। जैसे अमित ने कहा सर मैंने कर लिया सब्सक्राइब, और भी बच्चे कर लेंगे, एक में अभी और बढ़ा, एक बच्चा भी और बढ़ा है मालवीय क्लासेस पर। तो जिन्होंने नहीं कहा सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक आप भी करें, और जो हमारा चैनल तेजी से बढ़ रहा है ना मालवीय क्लासेस का परिवार, कुछ चैनल ऐसे जो घमंड में आ चुके हैं उनका घमंड चूर करना है, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, हम नहीं कह रहे कि हमारे इसी साल मिलियन होंगे, लेकिन जल्दी मिलियन तक पहुंचेंगे और आप लोगों को साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये आपका चैनल है, आपका परिवार है, आप जो क्लास कहोगे वो क्लास चलाएंगे रोजाना। कल से 21 क्लास मिलेंगी आप लोगों को, 21 क्लास, देखो अभी इतना ही है, अभी हम 21 क्लास दे पाएंगे और जल्दी क्लास की संख्या और भी बढ़ा देंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन है, एक कार 1000 किलोमीटर, कितनी 1000 किलोमीटर की दूरी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सीख लो, पता नहीं दोबारा कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, 1000 किलोमीटर की दूरी 250, कमेंट करो यार, प्लीज लाइक कर दो, प्लीज शेयर कर दो साथियों। अब 1000 किलोमीटर की दूरी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी तरफ 600 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और हमसे औसत चाल पूछी, समझो। जब दोनों दूरी अलग अलग हो तो कैसे निकालते हैं औसत चाल, तो औसत चाल होती है, क्या होती है सीख लो, औसत चाल, औसत चाल होती है कुल दूरी, क्या कुल दूरी बटा कुल समय। देखो मुझे नहीं पता आपने पढ़ रखा है, आपको आता है नहीं आता, लेकिन पूरा मैथ सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, सिलेक्शन होगा, मालवीय क्लासेस पे आओ तो सही, मालवीय क्लासेस पे आओ तो सही, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे। तो औसत चाल निकालनी है, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो यहां पर दूरी है 1000 किलोमीटर, मैंने लिख दी जी 1000 किलोमीटर की दूरी, यहां पर दूरी है 600 किलोमीटर, तो मैंने कुल दूरी तो लिख दी लो, लेकिन मैं कुल समय कहां से लाऊंगा, कुल समय तो है ही नहीं, जीरो बटा सन्नाटा है कुल समय तो। अब कुल समय देखते हैं, यहां पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अरे हमें समय तो मिला ही नहीं, तो समय निकालो, समय कैसे निकालोगे, समय होता है दूरी बटे चाल, तो 1000 बटे 250, तो यहां पर समय आया 4 घंटे, समय निकालना पड़ेगा, यहां समय आया 4 घंटे, यहां समय निकालो टाइम 600 बटे 100 भाई दूरी बटे चाल, तो यहां पर आया 6 घंटे, तो समय कितना हो गया, समय हो गया 4 घंटे और 6 घंटे भाई कुल दूरी और कुल समय। अब समझ गए आप, अब कुल दूरी हो गई जी 1600, कुल दूरी 1600 किलोमीटर और कुल चाल है 6 और 4 10 किलोमीटर, जीरो से जीरो कट गया, 160 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया।